हे गाइस वेलकम, आप देख रहे हो ड्रॉपआउट इंजीनियर, मैं हूँ आकाश। तो गाइस देखो, आपने टाइटल में पढ़ा होगा, मैंने लिखा है आपके ज़िंदगी का सुनहरा मौका बन सकता है अगर आप जो है अभी शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हो। दिस इज़ द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन अ शेयर मार्केट। अभी यहाँ पर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, तो देखो गाइस, मार्केट के अंदर एक बहुत ही बड़ा स्लो डाउन चल रहा है, मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ी मंदी चल रही है, ठीक है। अभी यहाँ पर जो मंदी होती है कुछ हर एक कुछ साल के बाद हमेशा आती है, ठीक है। अभी यहाँ पर हम लोग कंपेयर करेंगे, इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंपेयर करके दिखाऊंगा ऐसी ही सेम मंदी यहाँ पर मार्केट के अंदर कब आई थी, और उससे हम लोग कंपेयर करेंगे उस समय यहाँ पर लोगों ने क्या किया था, जो लोगों ने बहुत ज़्यादा पैसे कमाए थे, क्या करके लोगों ने पैसे कमाए थे, और क्या किन किन लोगों ने जो पैसे लूज़ किए थे। तो यहां पर मैं आपको पूरा कंपैरिजन करके दिखाऊंगा, और यहां पर जो मेरी स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करूंगा, जिससे आप जो बहुत ज्यादा पैसे शेयर मार्केट के अंदर जो है कमा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो गाइस, वीडियो को शुरुआत करने से पहले यहाँ पर आपको कारण जानना होगा कि ये शेयर मार्केट के अंदर ये जो मंदी है, जो बड़ी बहुत ही बड़ा स्लो डाउन यहाँ पर आ चुका है, इसके कारण क्या है। तो एक बहुत ही बड़ा रीज़न है गाइस, जो है चाइना और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड वॉर चल रहा था, उसके वजह से ग्लोबल स्लो डाउन आ चुका था और आने भी वाला था, ठीक है। और उसके साथ साथ में अभी जो है ये जो कोरोना वायरस आ चुका है, उसके वजह से बहुत सारी कंट्रीज़ सिटीज़ लॉकडाउन हो चुके हैं और उनके जो बिज़नेस ठप हो चुके हैं, ठीक है। तो ये जो कोरोना का जो इम्पैक्ट है ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर जो है अफेक्ट कर रहा है, और यहाँ पर आप जो उसके रिजल्ट देख पा रहे हो, ठीक है। अभी इसका पूरा जो इम्पैक्ट है अभी आना बाकी है, तो मुझे लगता है शेयर मार्केट के अंदर अभी जो और स्लो डाउन आना बाकी है। तो यहाँ पर ऐसे हालात में आपको क्या करना चाहिए, कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जिसके हिसाब से आप जो है बहुत ज़्यादा पैसे मार्केट के अंदर कमा सकते हो, ठीक है। अभी देखो गाइस, शेयर मार्केट के अंदर दो बड़े पहलू है। एक है इंट्राडे ट्रेडिंग, जहाँ पर आप जो कम पैसों में शॉर्ट टर्म के अंदर काफ़ी अच्छा जो मुनाफा कमा सकते हो, और दूसरा है यहाँ पर सबसे पहले तो इंट्राडे के अंदर थोड़े रिस्क ज़्यादा होती है, और सेकंड जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर आपको रिस्क एज़ कम्पेयर टू इंट्राडे थोड़ी कम होती है, बट यहाँ पर आपको थोड़ा अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो यहाँ पर आप इसे इन्वेस्ट करके जो है लॉन्ग टर्म के अंदर बहुत ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हो। अगर आपके पास कम पैसे तो भी आप जो SIPs करके थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करके जो है अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हो मार्केट के अंदर, ठीक है। अभी गाइस देखो, मार्केट के अंदर आप जो इंट्राडे से भी काफ़ी अच्छे पैसे कमा सकते हो, और यहाँ पर जो लॉन्ग टर्म के अंदर भी जो है इन्वेस्ट करके पैसे कमा सकते हो। अगर आप मुझे पूछो तो मैं दोनों भी करता हूँ, इंट्राडे करता हूँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करता हूँ। यहाँ पर आप जो देखते हो कि बाइनरी भी हम लोग बाइनरी की और फॉरेक्स के अंदर भी जो है हम लोग जो है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं। तो यहाँ पर जो पैसा हर एक चीज़ों से बनता है, बट यहाँ पर आपको जो है हर एक पहलू के ऊपर ध्यान देके थोड़ा थोड़ा हर एक के ऊपर पाव देके चलना होगा, तभी मार्केट के अंदर आप जो ज़्यादा सस्टेन कर पाओगे। बिकॉज देखो गाइस, इंट्राडे और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट दोनों को जस्टिफाई करने वाले स्टेटमेंट जो मार्केट के अंदर अवेलेबल है। अगर बात करते हैं वॉरेन बफेट की, इन्वेस्टमेंट के जो गॉड कहे जाते हैं शेयर मार्केट के, तो उनका एक कोट है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा है कि अगर आप किसी एक बड़े पेड़ के छांव में आज बैठे हो, तो इसका ये मतलब होता है कि बहुत साल पहले किसी ने वहाँ पर जो एक छोटा सा बीज बोया होगा, उसका रिजल्ट आपको जो बहुत सालों बाद मिल रहा है। तो यह होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा। और यहाँ पर अगर बात करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग की, तो यहाँ पर आपको पता है राकेश झुंझुनवाला, जो कि इंडियन शेयर मार्केट के गॉड कहे जाते हैं, यहाँ पर आपको मेजरली लोगों को पता है कि वो सिर्फ जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, बट ऐसा नहीं है। राकेश झुंझुनवाला जो है इंट्राडे ट्रेडिंग भी करते हैं। वो जब एक प्रोग्राम में गए थे, वहाँ पर एक एंकर जो थी, उन्होंने एक सवाल उनसे पूछा था, क्या सर इंट्राडे से पैसे बनते हैं? तो उनका एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग आंसर था। उन्होंने कहा था, अगर इंट्राडे से पैसे नहीं बनते तो आज मैं राकेश झुंझुनवाला यहाँ खड़ा नहीं होता। तो देखो गाइस, राकेश झुंझुनवाला अभी जो इन्वेस्टमेंट करते हैं बड़ी बड़ी लॉन्ग टर्म के लिए, बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो पैसा उन्होंने जुटाया, ये इंट्राडे से ही जुटाया है। उन्होंने खुद कहा है, जब वो शेयर मार्केट के अंदर एंट्री कर रहे थे, उनके पास बहुत ही कम पैसे थे, तो वहाँ पर बहुत ही कम पैसे से उन्होंने शुरुआत की थी। एक इंट्राडे ही था, जो इंट्राडे ही होता है यहाँ पर जो आप कम पैसे से बहुत ज़्यादा मुनाफा जो है शॉर्ट टर्म में कमा सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग बहुत सारे वीडियोस लाएंगे, जहाँ पर आपको बेनिफिट हो जाएगा कि कैसे आप जो है शॉर्ट टर्म में इंट्राडे से पैसे कमा सकते हो। जैसे हम लोग बाइनरीज के वीडियो बनाते हैं, हम लोग जो इंट्राडे की वीडियोस ही बनाएंगे। बट यहाँ पर आज का वीडियो है इन्वेस्टमेंट के लिए, आप इन्वेस्टमेंट करके कैसे जो है लॉन्ग टर्म में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करके जो पैसे बना सकते हो। तो चले यार, इसके लिए बहुत ही अच्छा जानने के लिए, बहुत ही ईजिली आपको जानने के लिए यहाँ पर हम लोग चलते हैं PC के स्क्रीन के ऊपर, जहाँ पर मैं आपको पूरा चार्ट के साथ कंपेयर करके दिखाऊंगा। सभी हम लोग प्राइस के कंपेयर करेंगे, और यहाँ पर मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा कौन सी स्ट्रैटेजी के साथ आपको जो है इन्वेस्टमेंट करना है, ताकि आप जो बहुत ज़्यादा बेनिफिट ले पाओ, ठीक है। और गाइस देखो, हमारे टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम पेज को ज्वाइन कर लो, ऐसे बहुत सारे टिप्स ट्रिक्स और हैक्स के लिए, जिसके मैं यहाँ पर आपको बहुत सारे टिप्स शेयर करता हूँ, जहाँ से आप जो बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। और गाइस यहाँ पर इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जब भी
में नए वीडियोज़ अपलोड करूँगा, शेयर मार्केट के रिलेटेड आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो गाइज़ यहाँ पर मैंने खोल लिया investing.com। तो यहाँ पर मैंने निफ्टी 50 का चार्ट खोल रखा है। अभी यहाँ पर मैं आपको बता दूँ गाइज़, शेयर मार्केट के अंदर जो है मेला लगा हुआ है। हर एक शेयर जो आपका फेवरेट शेयर जो आपको डिस्काउंट रेट पे मिल रहा है, 50% 60% डिस्काउंट रेट के ऊपर मिल रहा है। अभी यहाँ पर मैं आपको कंपैरिजन दिखाऊंगा, यहाँ पर आपको कैसे बिहेव करना चाहिए मार्केट में, कैसे आपको जो है स्ट्रैटेजी के साथ उतरना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हम लोग खड़े 2020 में, तो कुछ महीने पहले जो है निफ्टी 50 था 12,000 रुपये के आसपास, और अभी जो है इंपैक्ट की वजह से जो है 8,700 के ऊपर आके जो है रुक चुका है, गिर चुका है। ठीक है, इससे भी और गिरा था बट अभी जो है रिकवर कर गया है। ठीक है, अभी हम लोग चलते कंपेयर करेंगे 2008 के रिसेशन से, जो कि 2008 में भी एक ऐसी मंदी आई थी। तो देखो ये मार्केट चल रहा था 2008 में जो है 6,000 के आसपास जो है निफ्टी 50 था, और गिरकर 2008 हुआ। अभी समझो मान लो यहाँ पर हम लोग कहीं खड़े हैं और थोड़ी मंदी आना बाकी है मार्केट में अभी 2020 में। ठीक है, और भी समझो मान के चल रहे थे कि और थोड़ी मंदी आना बाकी, मुझे ऐसा लगता है मंदी आएगी, और थोड़ी मंदी आएगी, आपको कैसे स्ट्रैटेजी के साथ उतरना है फिर मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो वी मार्केट ने बनाया है, मार्केट हमेशा ऐसा वी बनाता है, पहले गिरता है डाउनफॉल, उसके बाद एक अच्छा वाला एक आप मार्केट के अंदर एक मतलब बुलिश जोन आपको देखने मिलेगा। पर ये कब देखने मिलेगा, ये थोड़ा समय लग सकता है, 1 साल 2 साल। तो यहाँ पर मैं आपको आपके फेवरेट शेयर के साथ जो कंपेयर करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर हम लोग सर्च करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले तो 2020 का चार्ट दिखाऊंगा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का। तो यहाँ पर हम लोग कैंडल्स कर लेते हैं, तो कैंडल्स में इतना कुछ खास नहीं लग रहा मुझे। तो यहाँ पर हम लोग फिर से चार्ट में जाएंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1,550 के आसपास कुछ महीने पहले रिलायंस था नवंबर में 2019, और अभी जो है चार पाँच महीने के अंदर जो है 1,000 के आसपास आ चुका है। कल तो इससे भी सस्ता मिल रहा था, मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट कैंडल्स हम लोग ले लेते हैं। 900 के आसपास मिल रहा था रिलायंस। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 895 में रिलायंस जो कल मिल रहा था, ठीक है, जब मैं देख रहा था 895 में मैंने कुछ खरीद भी लिए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितना नीचे गिर चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 40% के आसपास की गिरावट है। ये आगे वाला जो वी है ना यार, आगे के बाद जब मार्केट जब ऊपर आएगा ना, तो ये आपको प्रिडिक्ट करना है कि मार्केट कब ऊपर आएगा, थोड़ा लेट हो सकता है या फिर। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कंपेयर करके, 2008 में जब रिसेशन आया था तो रिलायंस खड़ा था 823 के ऊपर, तो गिरकर डायरेक्टली यहाँ पर रिलायंस आया था 240 के ऊपर। ठीक है, तो कुछ एक साल के समय के अंदर जो रिलायंस गिरकर 240-230 के ऊपर आया था, और समझो मान लो यहाँ पर आप नीचे इतना खरीद नहीं सकते, आपको इतना कोई भी गेस नहीं कर सकता कि प्रॉपर डाउन पे खरीद रहे हो। तो यहाँ पर आपने थोड़ा ऊपर भी खरीद लिया ना, अगर आपने समझो मान लो 300 के ऊपर भी खरीद लिया, फिर भी आप 600 पे बेच सकते थे, सबसे टॉप 600 की है, 550 भी बेच सकते हो। तो अगर एवरेज मान के चलो 230 पे ऊपर खरीद लिया, 250 खरीद लिया, 500 में बेचा ना, तो भी आपका डबल प्रॉफिट हो रहा था। अगर आपने 1,00,000 रुपये लगाया तो 1 साल के अंदर अंदर यहाँ पर आप जो 2,00,000 रुपये तक कमा सकते थे। अभी यहाँ पर मैं आपको और बेटर एग्जांपल के लिए यहाँ पर मैं आपको सर्च करके दिखाता हूँ विप्रो। ठीक है, अभी विप्रो का तो यार बहुत ही ज़बरदस्त ग्राफ है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो विप्रो के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हो, सबसे पहले तो हम लोग 2020 की बात करेंगे। विप्रो कुछ महीने पहले जो है, एक साल पहले मान के चलो 300 रुपये था, अभी जो है यहाँ पर एक साल के अंदर अंदर जो 160 के रुपीज़ के आसपास आ चुका है, अभी रिकवर करके 177 रुपीज़ है, और थोड़ा गिर सकता है मुझे लगता है। और ये आगे वाला आने वाला ये जो अप फॉल है ना यार, मतलब आप आने वाले जो बुलिश जोन है आपको गेस करना, यही तो आपको प्रिडिक्शन एक अच्छा, अगर आप ट्रेडर हो, एक प्रो ट्रेडर हो, तो आपको आने वाला टाइम आपको प्रिडिक्ट करना होता है कैसे आने वाला है। ठीक है, तो ये तो आपने देख लिया, तो ये आगे आने वाला समय ना आपको खुद से दिमाग में करना है कि कब आने वाला है, और उसके हिसाब से आपको जो इन्वेस्ट करना है। तो अभी देखो ये जो मार्केट बुलिश हुआ है ना, तो ये 1 या फिर 1.5 साल में हुआ है, समझो मान लो ये बहुत बड़ी मंदी है 2020 की, तो 2 साल लग सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, 2 से 2.25 साल। पर यहाँ पर आप देखो ये जो है विप्रो 4 गुना ज़्यादा बढ़ा है। तो यहाँ पर आपको दिखा था 180 रुपीज़ पे था, 40 रुपये पे आके गिरा है डायरेक्टली 1 साल के अंदर, और 1 साल के अंदर उसके बाद 1 साल के अंदर फिर से गया है 150 के आसपास। तो समझो मान लो यार 40 से 160 के आसपास गया था, तो 40 से 160 यानी कि 4 गुना ज़्यादा प्रॉफिट। अगर आपने 1,00,000 रुपये लगाए होते तो 1 साल के अंदर अंदर आप जो 4 लाख रुपये कमा लेते, 4 गुना प्रॉफिट। अभी यहाँ पर आपने ये तो देख लिया कैसे लोगों ने जो 4-4 गुना प्रॉफिट कर लिए। अभी यहाँ पर मैं आपको बता दूँ लोगों ने उस वक्त गलती क्या की थी, यहाँ पर अभी आपको उस गलती को नहीं दोहराना है। ठीक है, अभी यहाँ पर समझो मान लो ये किसी शेयर का चार्ट है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसका डाउनफॉल है।
अभी समझो मान लो यहाँ पर अभी आप खड़े हो, ठीक है, तो अभी इसका ये टॉप है, यहाँ पर से डाउनफॉल शुरू हुआ। अभी यहाँ पर जब थोड़ा डाउनफॉल शुरू हो जाता है तो यहाँ पर जब ये शेयर आके रुक जाता है, समझो मान लो आप है 100 रुपीज़, तो यहाँ पर जब ये 80 रुपीज़ के यहाँ पर आ जाता है तो लोग क्या करते हैं, जब बिगिनर होता है ना, तो समझो मान लो उसका 10 शेयर लेने का बजट है ना, तो वो क्या करता है 10 के 10 शेयर जो है 100 रुपीज़ के यहाँ पर 80 रुपीज़ के यहाँ पर जो है खरीद लेता है, ठीक है। तो 80 रुपीज़ के ऊपर सभी के सभी शेयर खरीदने के बाद तो यहाँ पर जब थोड़ा और ज़्यादा मार्केट गिर के जो है 60 रुपीज़ के ऊपर आ जाता है तो यहाँ पर वो डर जाता है, बिगिनर होता है ना, वो डर जाता है और बोलता है भाई 20 रुपीज़ का लॉस हो रहा है तो भाई छोड़ के चले जाओ, मार्केट में जो है वो बेच के चला जाता है। पर यहाँ पर आपको ये चीज़ नहीं करनी, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, समझो मान लो ये टॉप है, यहाँ पर 100 रुपीज़ है, यहाँ पर समझो मार्केट जो गिर के 80 रुपीज़ के यहाँ पर आ जाता है, तो आपको समझो मान लो आपका बजट है 100 रुपीज़, तो जो भी आपको 10 शेयर लेने का आपका बजट है तो यहाँ पर आपको सारे के सारे शेयर एक साथ नहीं लेने, तो 80 रुपीज़ के ऊपर आने के बाद यहाँ पर आपको जो है 2 शेयर लेने, ठीक है। तो 2 शेयर लेने के बाद जब मार्केट नीचे गिर के 60 रुपीज़ आ जाता है तो यहाँ पर आप जो अपने शेयर की क्वांटिटी बढ़ा दोगे तो यानी कि यहाँ पर आपको 4 शेयर लेने, ठीक है। तो यहाँ पर जब 60 के नीचे और थोड़ा आ जाता है 40 रुपीज़ के ऊपर तो आप जो है अपने शेयर की क्वांटिटी और ज़्यादा बढ़ा दो, यहाँ पर आप जो यहाँ पर 4 ले सकते हो या फिर आप जो 6 ले सकते हो, ठीक है। तो ऐसे करके अगर आप लोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपका एवरेज, अगर आप देखो तो आपका एवरेज काफ़ी अच्छा हो जाता है, तो ना ही आप ऊपर ज़्यादा ऊपर खरीदते हो ना ही आप ज़्यादा नीचे खरीदते हो, अपना एवरेज जो अच्छा होता है, और जब मार्केट ये ऊपर हो जाता है तो आपको जो अल्टीमेटली प्रॉफिट हो जाता है लॉस के बजाय, ठीक है। तो इस स्ट्रैटेजी को आपको फॉलो करना है, बाकी आप जो प्रॉफिट आराम से कर सकते हो। तो गाइस अभी बात करते हैं, अगर आप बिगिनर हो, आपको नहीं पता कि कौन से शेयर्स आपको खरीदने चाहिए, तो यहाँ पर मैं एक लिस्ट दे रहा हूँ जहाँ पर मैं हर एक कितने शेयर्स कितने क्वांटिटी में आप जो है खरीद सकते हो, तो सारे लिस्ट मैं आपको जो है टेलीग्राम चैनल के अंदर डाल दूंगा, तो यार वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगी तो वहाँ से आप जो देख सकते हो, या फिर हमारे इंस्टाग्राम पेज के स्टोरी के अंदर भी डाल दूंगा, तो दोनों चैनल आप फॉलो करोगे और ऐसे बहुत सारे टिप्स ट्रिक्स मैं वैसे भी वहाँ पर जो शेयर करता रहता हूँ, और वहाँ पर मैं सारी जो शेयर्स की क्वांटिटी और शेयर्स के नाम वहाँ पर मैं रिलीज कर दूंगा, वहाँ पर आके आप जो देख सकते हो। तो गाइज़ आशा करता हूँ आपको जो मैंने स्ट्रैटेजी समझाई है आपको समझ में आ चुकी होगी, और आपको समझ में ये भी आ चुका हो कैसे आपको जो इन्वेस्ट करना है आपके खुद के हिसाब से। तो यार देखो मैं तो कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, यहाँ पर पैसा आपका डिसीजन भी आपका ही होना चाहिए, आपके हिसाब से एनालिसिस करो और फिर आप जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको कुछ अलग क्वेरीज है यहाँ पर आप जो हमारे आप इंस्टाग्राम पेज को या फिर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर हम लोग आपको जो है आंसर कर देंगे। और यहाँ पर अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो वहाँ पर आपको एक प्लेटफॉर्म लगेगा कि जीरोदा अपस्टॉक ऑनलाइन ब्रोकर है, वहाँ पर आप जो रजिस्टर करके अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, वीडियो के नीचे आपको रजिस्ट्रेशन की लिंक मिल जाएगी जहाँ पर आप जो रजिस्टर कर सकते हो। तो चलिए गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए #ड्रॉपआउट इंजीनियर।